हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी रोहित कुमार। वेलकम टू द चैनल। ऑन दिस चैनल आई एम गोइंग टू अपलोड वीडियो लेक्चर्स ऑफ बायोलॉजी फॉर नीट एस्पिरेंट्स एंड फॉर 11th एंड 12th क्लास बायोलॉजी स्टूडेंट्स। एंड हियर इज द लिस्ट ऑफ चैप्टर्स गिवन इन 11th एंड 12th क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक्स। एंड एज वी नो कि इन बायोलॉजी देर आर टू सेक्शंस, वन इज जॉलॉजी, वन इज बॉटनी। सो सम चैप्टर्स विल कवर इन जॉलॉजी एंड रेस्ट इन बॉटनी। Okay, so first we'll start with the geology section, and the very first chapter I am going to cover is human reproduction. Okay, so this is index. Here I have mentioned the list of topics which we are going to cover in this chapter. And first we'll start with male reproductive system. In this we'll study different parts like scrotum, testes, duct system, accessory glands, along with what? Spermatogenesis. Second we'll study female reproductive system. This is followed by fertilization, embryonic development and placenta. Okay, and at the end we will cover some small topics like gestation period, parturition, lactation, etc. Okay, so let's start with the chapter. First I would like to discuss the definition and significance of reproduction. So as I have mentioned here, reproduction is a biological process by which individuals produce young ones similar to themselves. Sir, iski importance kya hai? It is actually essential for continuity of a species. What does it mean? It means reproduction ke through kisi bhi particular species ki population maintain rehti hai. Then we have two terms. One is primary sex organ and the other is secondary sex organs. Primary sex organs are those organs which produce gamete as well as sex hormones. For example, we have testes in males and ovaries in females. Then we have secondary sex organs. These organs neither produce gamete nor produce hormone. Sir, फिर करते क्या है ये? They are rather involved in transport of gametes. For example, like fallopian tube in case of female and vas deferens, epididymis, etc. in case of male. So let's start with male reproductive system. यहाँ पे I have mentioned some parts which are included under male reproductive system. So first part से start करते हैं, that is scrotum. स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो टेस्टिस को होल्ड कर रहा है. ओके, एंड एज वी नो दैट देर आर टू टेस्टिस. सो स्क्रोटम के अंदर भी दो स्क्रोटल सैक होते हैं एंड ईच स्क्रोटल सैक हैज वन टेस्टिस. और स्क्रोटल सैक बनते किसकी हेल्प से हैं? एक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे बोलते हैं स्क्रोटल सेप्टम. सेप्टम इज नथिंग बट अ मार्जिन और यू कैन से दैट बाउंड्री लाइक स्ट्रक्चर. वो स्क्रोटम को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. स्क्रोटल सेप्टम इन टर्न हैज व्हाट? इट हैज सम मसल्स विच आर नोन एज डार्टोस मसल. आगे पढ़ेंगे इनका क्या फंक्शन होता है. सो दिस इज अबाउट द स्क्रोटम, पाउच लाइक स्ट्रक्चर एंड होल्ड्स टेस्टिस. स्क्रोटल सेप्टम उसको दो स्क्रोटल सैक में डिवाइड करेगा एंड स्क्रोटल सेप्टम इन टर्न हैज डार्टोस मसल. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज जो टेस्टिस होते हैं इनिशियली वो एब्डोमन में प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के इनिशियल डेज में. उसके बाद वो डिसेंड होके कहाँ आते हैं? स्क्रोटम में आते हैं. तो मतलब कि स्क्रोटम कहीं ना कहीं एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्टेड है, राइट? ये जो ऑरेंज कलर स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं इंग्वाइनल कैनाल. ठीक है, ऊपर वाला पार्ट ये हो गया हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी, नीचे स्क्रोटम. तो यहाँ अब आपको दिख रहा होगा कि स्क्रोटम कहीं ना कहीं एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्टेड है वाया इंग्वाइनल कैनाल, ये वाला कैनाल. और इसी कैनाल के थ्रू एक यू कैन से दैट एक ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर पास हो रहा है, इसको बोलते हैं स्पर्मेटिक कोड. तो ये पॉइंट भी लिखा है मैंने नोट्स में, लाइक स्पर्मेटिक कोड पासेस थ्रू इंग्वाइनल कैनाल. और स्पर्मेटिक कोड में अब दूसरी टाइप की मसल आ गई है एक, उसको हमने बोला क्रीमेस्टर मसल. एक ऊपर पड़ा था डार्टोस, यहाँ पे वन इज क्रीमेस्टर. इनका फंक्शन देखेंगे अभी. तो आप लोगों को थोड़ा बहुत ही आइडिया होना चाहिए कि स्क्रोटम एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्टेड है, इस इंग्वाइनल कैनाल से कनेक्टेड है, और इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू एक यू कैन से दैट एक कोड पास होती है जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिक कोड. और ये जो स्पर्मेटिक कोड होती है इसके पास क्रीमेस्टर मसल होती है. ओके, नाउ आप इस डायग्राम को जो मैंने अभी अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए यहाँ पे बताया, इस डायग्राम को अगर देखोगे तो यहाँ पे दिस पार्ट इज टेस्टिस, ये टेस्टिस है. और ये टेस्टिस कहीं ना कहीं स्क्रोटल की वॉल से कनेक्टेड है वाया दिस स्ट्रक्चर ग्यूबरनाक्युलम. तो ग्यूबरनाक्युलम क्या होता है? ये एक फाइब्रस कोड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि अटैच करता है टेस्टिस को स्क्रोटल वॉल से. गेटिंग माय पॉइंट? सो
सो दिस इज रिगार्डिंग स्क्रोटम. नाउ टेस्टिस को होल्ड तो कर लिया सर, कुछ और भी फंक्शन होते हैं इसका, राइट? स्क्रोटम का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कि इसको टेस्टिस का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, दैट इज 2 से 2.5 डिग्री लेस देन द बॉडी टेम्परेचर. लाइक इट मेंटेन्स 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. एंड सर वाई इज इट सो? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम मेंटेन करने के क्या नो बता गए यहाँ पे? एक्चुअली एक प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि टेस्टिस में होता है एंड इट इज़ नथिंग बट फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स. तो स्पर्म्स बनाने के लिए जो आइडियल टेम्परेचर होता है दैट इज कहीं ना कहीं 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. और इसी टेम्परेचर को अचीव करने के लिए एक्चुअली टेस्टिस का डिसेंड हुआ था. कहाँ से कहाँ? दैट इज फ्रॉम एब्डोमन टू स्क्रोटम. ओके, तो अब से टेम्परेचर स्क्रोटम मतलब अकेला मेंटेन कर लेता है, उसके साथ साथ एक्चुअली कुछ मसल्स भी होती हैं जो स्क्रोटम को वो टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करती हैं. ये दोनों मसल जो हमने पढ़ी हैं, डार्टोस एंड क्रीमास्टर, ये दोनों मसल कहीं ना कहीं स्क्रोटम को उतना टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करती हैं. इनका कॉन्ट्रैक्शन होगा, इनका रिलैक्सेशन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बेस पे स्क्रोटम असेंड हो जाता है कई बार टुवर्ड्स एब्डोमिनल कैविटी, और इनके रिलैक्सेशन के टाइम पे स्क्रोटम क्या होता है? डिसेंड हो जाता है फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी. तो विंटर्स के केस में जनरली स्क्रोटम का साइज स्मॉल हो जाता है, समर्स के केस में स्क्रोटम का साइज थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्क्रोटम. इसमें अगर नीट की पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन से देखोगे आप तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई स्क्रोटम इज कनेक्टेड टू एब्डोमिनल कैविटी वाया इंग्वाइनल कैनाल. पहली चीज अभी तक जो पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस वो ये वाले हैं. मैं यहाँ पे इनको यू कैन से दैट लेबल कर देता हूँ, दिस इज नीट. ये तो पहले से पूछे जा चुके हैं कि कितना टेम्परेचर कम मेंटेन करता है और क्यों करता है, दैट इज फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस ऑल्सो. ओके, नाउ दूसरा जो हमारे पास स्ट्रक्चर है दैट इज टेस्टिस. सो वी नो दैट दे आर वन पेयर इन नंबर, और वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी भी है कि लाइक ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टेस्टिस आर प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी, बट ड्यूरिंग द 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी टेस्टिस डिसेंड फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी टू द स्क्रोटम वाई इंग्वाइनल कैनाल. क्या कहना चाहते हैं ये कि भाई इनिशियली तो एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट थे लेकिन 7th मंथ के आसपास बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस का डिसेंड हो गया फ्रॉम एब्डोमन टू स्क्रोटम. और किसके इन्फ्लुएंस पे हुआ? दिस इज टेस्टोस्टेरोन. तो फाइनली अभी टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है, मतलब आफ्टर बर्थ या 7th मंथ के बाद कहाँ आ जाते हैं? दे कम इन स्क्रोटम. लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. अभी भी कुछ ऐसे मैमल्स प्रेजेंट हैं जहाँ अभी भी टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है, वो एब्डोमन में ही प्रेजेंट है. लाइक एलिफेंट हो गया, डॉल्फिन हो गया, वेल हो गया, डकबिल प्लैटिपस हो गया, ऑर्निथोरिंकस हो गया. ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की फिजियोलॉजी पर डिपेंड करता है. तो मैमल्स में से अगर इनको छोड़ दो तो बाकी सभी में टेस्टिस स्क्रोटम में प्रेजेंट है, इन सभी में टेस्टिस एब्डोमन में प्रेजेंट है. ओके, बैट एंड उटर का यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, इनमें टेस्टिस डिसेंड होते हैं स्क्रोटम में ओनली ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, अदरवाइज ब्रीडिंग सीजन ऑफ रहता है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ये एब्डोमन में प्रेजेंट होंगे. ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के. हर एक नाम के साथ यू विल गेट फेमिलियर विद टाइम, हम पढ़ने वाले डिटेल में हर एक यहाँ से पार्ट पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. ओके, नाउ कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे, लाइक वन इज क्रिप्ट और कायोडिज्म, सेकंड इज कैस्टेशन. क्या मतलब होता है इनका? क्रिप्ट मीन्स हिडन, ऑर्क मीन टेस्टिस. ठीक है, तो ये ऐसी कंडीशन है जहाँ पे टेस्टिस का फेलियर हो जाता है टू डिसेंड फ्रॉम एब्डोमन टू स्क्रोटम. मतलब कि टेस्टिस अब कहाँ रह गए? एब्डोमन में रह गए. अब देखो ह्यूमंस के केस में अगर टेस्टिस एब्डोमन में रह गए तो क्या उन्हें कभी भी वो लोअर टेम्परेचर मिला? नहीं मिला. और लोअर टेम्परेचर नहीं मिला तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी उनमें कभी भी, और स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी तो वो कभी भी गैमेट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, और गैमेट प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? स्टरलिटी. तो इसलिए क्रिप्टोकाइडिज्म की वजह से क्या हो जाती है? स्टरलिटी. सेकेंड टर्म इज कैस्ट्रेशन. कैस्ट्रेशन क्या होता है? यहाँ पे टेस्टिस का सर्जिकली रिमूवल हो जाता है, टेस्टिस ही निकाल दिए, और टेस्टिस निकाल दिए तो यहाँ पे सर कोई चांस नहीं है. अभी क्या हो जाएगा? ये भी इट लीड्स टूवर्ड स्टरलिटी. जनरली ये तो बाय बर्थ प्रेजेंट होगा. कैस्ट्रेशन कुछ रिलीजन्स हैं जिनमें किया जाता है, इंटेंशनली कैस्ट्रेशन किया जाता है, और उसका एग्जांपल क्या है? कोयर बॉयज. ठीक है, कोयर बॉयज आर द बॉयज जो कि प्रे करते हैं चर्च में. तो सर किया क्यों जाते हैं? आप इसके बारे में सोचना जरा एक बारी, थोड़ा बहुत आइडिया देना मेरे को.
कमेंट सेक्शन में लिख देना कि कैस्ट्रेशन क्यों किया जाता है कोर बॉयज़ का, ठीक है? नहीं होता है तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको बता दूंगा। अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें टेस्टिस की, तो टेस्टिस में तीन लेयर होते हैं यहाँ पे, एक आउटर मोस्ट, देन मिडल, देन इज द इनर मोस्ट। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका वजाइनलिस, जो मिडल होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजेनिया, एंड जो इनर होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। यहाँ पे मैंने मिडल लेयर को थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसे एक्सटेंड किया है देखो, और जो इनर लेयर है इसको डिसकॉन्टिन्यूस बनाया है। ये एक्चुअली ऐसे प्रेजेंट होती है। जो मिडल लेयर है इट एक्चुअली ग्रोज इनवर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड डिवाइड दी टेस्टिस इनटू मेनी लॉब्स। और कितना लॉब्स, ये एनसीईआरटी का डेटा है, दिस इज 250 लॉब। तो ट्यूनिका एल्बुजेनिया अंदर आएगा और टेस्टिस को 250 लॉब में डिवाइड कर देगा। हर एक लोब में क्या होता है, एक से तीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। ये पढ़ने वाले अभी हम क्या होंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। कौन कौन सी सेल्स होती हैं सर? वन इज दिस इज स्पर्मेटोजेनिक सेल, सेकंड वन इज दिस इज सर्टोली सेल। स्पर्मेटोजेनिक नाम से पता चल रहा है, स्पर्म्स का जनरेशन, यहाँ से स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे। स्पर्मेटोगोनिया वो स्ट्रक्चर होते हैं जो स्पर्म्स के प्रिकर्सर होते हैं। ओके, सर्टोली सेल, इनके फंक्शन स्पेसिफिक है बिल्कुल। एक तो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा जितने भी डेवलपिंग स्पर्म है वहाँ पे, दूसरा ये स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करेगा बाय प्रोड्यूसिंग इनहिबिन हार्मोन, और ये इनहिबिन इन टर्न क्या करेगा, इट विल चेक द फंक्शन ऑफ FSH। ये FSH को देखेगा। सर FSH का क्या रोल होता है, हम आगे पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस में, हार्मोनल रेगुलेशन में, कि FSH स्पर्मेटोजेनेसिस में कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो जब सफिशियंट स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगी तो सर्टोली सेल विल सीक्रेट इनहिबिन, एंड दिस इनहिबिन इन टर्न चेक्स द एक्टिविटी ऑफ FSH, कि भी स्पर्मेटोजेनेसिस अचीव हो गया सफिशियंट, आपको और स्पर्मेटोजेनेसिस करने की जरूरत नहीं है। अभी इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है दिस इज, ये होता है, ये एक ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाता है, ऐसा एक ब्लड ब्रेन बैरियर भी होता है। ब्लड टेस्टिस बैरियर का मतलब ब्लड में ऐसी हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस, कोई और पैथोजन जिनसे कि टेस्टिस को डैमेज हो सकता है, ये कोशिश करता है ये बैरियर कि वो सब चीज़ें टेस्टिस तक ना पहुंचे। तो ये जो बैरियर बना है ना ब्लड और टेस्टिस के बीच में, दैट इज ब्लड टेस्टिस बैरियर, अगेन दिस इज फॉर्म्ड बाय सर्टोली सेल्स। नेक्स्ट फंक्शन इज, ये एक प्रोटीन सिक्रेट करते हैं, उसको ABP बोलते हैं, फुल फॉर्म इज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। नाम से पता चल रहा है इट विल बाइंड टू द एंड्रोजन, एंड्रोजन इज नथिंग बट टेस्टोस्टेरोन। वन मोर टर्म इज दिस इज AMF, ये AMF भी सिक्रेट करते हैं, फुल फॉर्म इज एंटी मुलेरियन फैक्टर। एंटी मुलेरियन फैक्टर, देखो देर आर टू डक्ट्स, वन इज मुलेरियन डक्ट, वन इज वॉल्फियन डक्ट। एम्ब्रियो के टाइम पे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे दोनों डक्ट प्रेजेंट होते हैं, बट जैसे ही एम्ब्रियो का सेक्स डिफाइन होता है तो क्या होगा, अगर जो ये मुलेरियन डक्ट है इनका फेट क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब में डेवलप होनी है। तो नाउ सपोज एम्ब्रियो है मेल, तो क्या उसमें मुलेरियन डक्ट का फर्दर डेवलपमेंट होगा? नहीं सर, क्योंकि मुलेरियन का फेट तो फेलोपियन ट्यूब था, और अगर एम्ब्रियो मेल है तो उसमें मुलेरियन डक्ट का आगे डेवलपमेंट नहीं कराना है। तो यहाँ पे हो गया एंटी मुलेरियन फैक्टर, ये मेल्स के केस में फेलोपियन ट्यूब को डेवलप नहीं होने देगा। सिमिलरली दूसरी डक्ट जो होती है उनको बोलते हैं वॉल्फियन डक्ट। ये वॉल्फियन डक्ट का फेट क्या होता है, ये सब के सब वास डिफरेंस, एपेरिडाइमिस, इन सब में डेवलप होते हैं, और ये सारे क्या है, ये सर मेल के डक्ट्स होती हैं। तो नाउ सपोज इफ एम्ब्रियो इज फीमेल, तो क्या उसमें वॉल्फियन डक्ट का फर्दर डेवलपमेंट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए सर, तो वहाँ पे वॉल्फियन डक्ट का डेवलपमेंट सप्रेस हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? सो सर्टोली सेल्स के जितने भी पॉइंट्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से रिपीटेडली नीट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, देन ये एक सेक्शन दे रखा है, NCERT का डायग्राम है ये। तो इस सेक्शन में कहीं ना कहीं ये देखो, ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, इधर भी दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनाए मैंने। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो सेल्स पड़ी थी हमने, सर्टोली सेल एंड स्पर्मेटोजेनिक सेल, और यहाँ पे देखा भी था स्पर्मेटोजेनिक सेल से स्पर्मेटोगोनिया है, तो स्पर्मेटोगोनिया की लेबलिंग की गई यहाँ पे, दिस इज द स्पर्मेटोगोनिया, मतलब कि ये वाले सेल आर स्पर्मेटोगोनिया। ओके, ध्यान से देखनी है लेबलिंग इसकी। उसके बाद एक लेबलिंग की गई है ऊपर रेड कलर्ड, दिस इज सर्टोली सेल, और सर्टोली सेल के पास एक कुछ ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर बनाए हुए, दीज आर स्पर्म्स और स्पर्मेटोजोआ। तो लेबलिंग देख लेनी है आप लोगों को, अच्छे से डायग्राम देख लेना, NCERT का स्केच आएगा, बिल्कुल NCERT बेस्ड ही आएगा। नाउ
अगर आप इन दोनों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को देखो तो इनके बीच में भी कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं, मीन देर आर सम सेल्स विच आर प्रेजेंट आउटसाइड टू एडजेसेंट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल होती हैं। और इंटरस्टिशियल सेल क्या करती हैं, यही एक्चुअली एंड्रोजन सिक्रिएट करती हैं, एंड्रोजन्स और यू कैन से दैट टेस्टोस्टेरोन। लेकिन उसके लिए इन्हें स्टिमुलस चाहिए, स्टिमुलस कौन देगा, इनको स्टिमुलस देने वाला हार्मोन होता है LH, वो पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो अभी तो मैंने जस्ट आपको डायग्राम एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे देर आर टू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उनके अंदर सेल होती हैं, एक सेल से स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं जो मार्जिन पे प्रेजेंट है, दूसरे सर्टोली सेल है उनके साथ स्पम्स अटैच है कहीं ना कहीं, ठीक है। और दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो सेल्स प्रेजेंट है उन्हें हम इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। और इंटरस्टिशियल सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट, यहाँ तक थिंग्स आर क्लियर आई होप। ओके, देन देर आर डक्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है इट हैज़ एक्चुअली वन कोइल्ड पार्ट एंड वन स्टेट पार्ट, द स्टेट पार्ट इज नोन एज ट्यूबुलरी रेक्टाई। ओके, द ट्यूबुलरी रेक्टाई देन गिव राइज टू अ नेटवर्क ऑफ डक्ट, दिस नेटवर्क इज नोन एज रेटे टेस्टिस, एंड रेटे टेस्टिस देन गिव राइज टू वासा एफरेंशिया। तो ये तीन टर्म आ गए हमारे पास, फर्स्ट वन इज दिस इज ट्यूबुलरी रेक्टाई, देन इज द रेटे टेस्टिस, एंड देन इज वासा एफरेंशिया। डायग्रामेटिकली अगर देखें इन्हें तो देखो यहाँ पे ध्यान से, जो ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है इसमें दिस पार्ट इज द कोइल्ड पार्ट ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से शो कर रखा है, और इस कोइल्ड पार्ट के साथ क्या है, वन इज द स्टेट पार्ट, आपको स्टेट पार्ट भी नजर आएगा, दिस पार्ट इज स्टेट पार्ट। तो इस स्टेट पार्ट जो होता है इसे हम ट्यूबुलरी रेक्टाई बोलते हैं, एज आई हैव मेंशन इन द डायग्राम। ओके, और बहुत सारे ट्यूबुलरी रेक्टाई मिलके क्या बना रहे, दिस स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज रेटे टेस्टिस, एंड फाइनली मैनी रेटे टेस्टिस कम्बाइंड टूगेदर टू फॉर्म वासा एफरेंशिया, एंड वासा एफरेंशिया ये वाले स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, सो आफ्टर दिस क्या होता है, 10 से 12 वासा एफरेंशिया कम्बाइन होती हैं एंड दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर, हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर विच इज नोन एज दिस इज एपिडिडाइमस। ये जो होता है टेस्टिस की पोस्टीरियर सर्फेस पे प्रेजेंट होते हैं, दिस पार्ट इज एपिडिडाइमस एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर सर्फेस। तो ये वाला जो सर्फेस होगा टेस्टिस का, दिस इज द पोस्टीरियर सर्फेस। नाउ इस एपिडिडाइमस में तीन पार्ट होते हैं एक्चुअली, एक होता है इसका हेड पार्ट जिसे हम बोलते हैं कैप्यूट, दूसरा होता है इसका बॉडी पार्ट जिसे हम बोलते हैं कॉर्पोरा, तीसरा होता है इसका टेल पार्ट जिसे हम बोलते हैं कोडा। सो यहाँ पे डायग्राम में भी विजिबल है, कोडा पार्ट से कहीं ना कहीं एक पार्शियली कोइल्ड ट्यूब अराइज हो रही है। इस पार्शियली कोइल्ड ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज वास डिफरेंस और वासा डिफरेंशिया। ओके, एंड फाइनली वास डिफरेंस में एक डक्ट आके मिल जाती है सेमाइनल वेसिकल की, एंड जॉइंटली दे फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट, एंड इजैकुलेटरी डक्ट देन ओपन्स इनटू यूरेथ्रा। सो पूरा डक्ट सिस्टम मैं एक बार डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो जरा, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में वन इज द स्टेट पार्ट, वन इज द कॉइल्ड पार्ट। जो स्टेट पार्ट था उस स्टेट पार्ट को हमने बोला यहाँ पे, दिस स्टेट पार्ट इज नोन एज दिस इज ट्यूबुलरी रेक्टाई, ये भी ट्यूबुलरी रेक्टाई, ये भी ट्यूबुलरी रेक्टाई। ट्यूबुलरी रेक्टाई ने मिलके क्या बनाया, एक नेटवर्क बनाया, उस नेटवर्क को हमने बोला रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस से कौन सी डक्ट्स आई, दीज आर वास एफरेंस और वासा एफरेंशिया, एंड वासा एफरेंशिया 10 से 12 वासा एफरेंशिया एक्चुअली आपस में मर्ज हो जाती हैं, एंड दे फॉर्म अ कोइल्ड ट्यूब। उस कोइल्ड ट्यूब को हमने क्या बोला, दिस इज नोन एज एपिडिडाइमस, एंड एपिडिडाइमस के कोडा पार्ट से, दिस इज द कोडा पार्ट, लास्ट वाला पार्ट, टेल वाला पार्ट, यहाँ से एक पार्शियली कोइल्ड ट्यूब अराइज हुई, और उस पार्शियली कोइल्ड ट्यूब को हमने क्या बोल दिया, वास डिफरेंस। ठीक है, अब वास डिफरेंस से आगे के स्ट्रक्चर्स में इस डायग्राम के थ्रू पूरा करता हूँ। लाइक देखो, यहाँ टेस्टिस था, अब टेस्टिस से सिंपली हम क्या देख रहे हैं, एक ही डक्ट बाहर आ रही है, दिस इज नथिंग बट वास डिफरेंस। पूरा डक्ट सिस्टम अंदर वाला पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वास डिफरेंस बाहर आया, वास डिफरेंस देन वी हैव मेंशन इन द थ्योरी पार्ट, वास डिफरेंस रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल। सो वेयर इज सेमाइनल वेसिकल, दिस इज सेमाइनल वेसिकल, इसे ट्रैक करो आप डायग्राम में, यहाँ पे आएगा ये। तो सेमाइनल वेसिकल पे आपको कहीं ना कहीं डक्ट भी दिखेगी, एक छोटी सी डक्ट है सेमाइनल वेसिकल की, दिस डक्ट। सो दिस डक्ट कहीं ना कहीं कंबाइन विद वास डिफरेंस, तो ये वास डिफरेंस है सपोज, और इसमें ये सेमाइनल वेसिकल की डक्ट है,
ये दोनों मिलने के बाद क्या बना रहे हैं, दोनों मिलने के बाद एक छोटी डक्ट बनती है, उनको हम बोलते हैं दिस इज नोन एज व्हाट, इजैकुलेटरी डक्ट। हियर इज द नेम, दिस इज इजैकुलेटरी डक्ट। ओके, सो तीन डक्ट सिस्टम आपको इस डायग्राम से क्लियर हो गए। दिस इज ट्यूबुलर रेक्टाई, देन रेटेड टेस्टिस, देन वासा एफरेंशिया एंड देन एपिडिडाइमिस एंड वास डेफरेंस। वास डेफरेंस से हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। वास डेफरेंस को सेमाइनल वेसिकल की एक डक्ट मिलती है और वास डेफरेंस एंड दिस सेमाइनल वेसिकल डक्ट देन जॉइंटली फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट और इजैकुलेटरी डक्ट फाइनली ओपन्स इनटू यूरेथ्रा। ये आई हैव मेंशनड हियर लाइक इट फाइनली ओपन्स इनटू व्हाट, यूरेथ्रा। सर यूरेथ्रा कहाँ है अब इसमें? सो आपको यहाँ पे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसे ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट, दिस इज द यूरेथ्रा। तो आप लोगों को दिख भी रहा होगा, हाँ सर इजैकुलेटरी डक्ट कहीं ना कहीं इसी में ओपन हो रही है। गेटिंग माय पॉइंट, यस ओ नो? ये पूरा का पूरा पार्ट, दिस इज नथिंग बट यूरेथ्रा जो थ्रू आउट द पेनिस रन कर रहा है। तो दिख रहा है हमें यहाँ पे मार्जिन भी है, हाँ सर ये रहा देखो, यहाँ पे ओपन हो रही है डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं इजैकुलेटरी डक्ट फाइनली ओपन किस में होते हैं? दिस इज इन यूरेथ्रा। कौन से यूरेथ्रा में? ये आगे देखें, यूरेथ्रा भी तीन टाइप के होते हैं। ओके, सो आई होप कि जो राइट साइड है इस डायग्राम की वो क्लियर है आप लोगों को, दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ कम टू दिस पार्ट। इस पार्ट में देखो क्या क्या स्ट्रक्चर्स है। सबसे पहले मैं पेनिस के स्ट्रक्चर ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो पेनिस है उसमें जो येलो कलर्ड मैंने अभी हाईलाइट कर रखा है पार्ट, ये तो हो गया हमारे पास, दिस इज द यूरेथ्रा। ओके, नाउ यूरेथ्रा के बाद आपको एक और लेयर मिलेगी लाइक दिस, ये वाली लेयर। इस लेयर को हम बोलते हैं दिस इज नोन एज कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। देखो ध्यान से, यहाँ पे है दिस इज कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है भाई, ये हमने दोनों तरफ से इसको मार्क कर दिया कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। इसके बाहर एक और लेयर प्रेजेंट है, दिस लेयर, इस लेयर को हम बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा। इसकी लेबलिंग भी देख सकते हो आप डायग्राम में, तो यहाँ देखो लेबलिंग ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा। तो एक्चुअली पेनिस में एक ट्यूब होती है यूरेथ्रा जो थ्रू आउट द पेनिस रन करती है और उसके सराउंडिंग में कुछ टिश्यूज़ होते हैं और वो टिश्यूज़ जो होते हैं, टिश्यूज़ के जो मास होते हैं उनमें से एक होता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, एक होता है कॉर्पोरा कैवर्नोसम। क्लियर है यहाँ पे? नाउ जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है वो एंटीरियरली एक ट्राइंगुलर रीजन बना रहा है लाइक दिस, ये वाला पार्ट। अगर आप इसको बिल्कुल इसी की फॉर्म में ऐसे शेड करोगे तो ये रीजन बनेगा कुछ लाइक दिस। इस रीजन को हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस और ग्लांस पेनिस के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है, दिस इज नोन एज व्हाट, प्रीप्यूज और फोरस्किन। ओके, सो ये कुछ स्ट्रक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। आप एक बार एनसीईआरटी देख लेना, एनसीईआरटी के बेसिस पे ही मैंने यहाँ पे सारे के सारे लेबलिंग्स एक्सप्लेन की हैं। ओके, तो अब अगर समराइज़ करें इस डक्ट सिस्टम को, तो समराइज़ करें तो सर कुछ डक्ट तो टेस्टिस के अंदर थी, कुछ डक्ट टेस्टिस के बाहर हैं, तो इस बेसिस पे दो सिस्टम बन जाते हैं, वन इज़ इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम एंड दूसरा इज एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम। तो दिख भी रहा आप लोगों को, टेस्टिस के अंदर कौन कौन सी डक्ट थी, ट्यूबुलर रेक्टाई, रेटेड टेस्टिस एंड कहीं ना कहीं वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया एक्चुअली यहाँ से स्पम्स को कैरी कर रहा है आउट ऑफ टेस्टिस, है ना। तो देखो इधर इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम में वी हैव सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूबुली रेक्टाई, रेटेड टेस्टिस एंड वासा एफरेंशिया, और एक्स्ट्रा में फिर क्या आ गया, एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा। ओके, सो जो वासा एफरेंशिया है ये टेस्टिस के अंदर से स्टार्ट होता है और टेस्टिस के बाहर जाके इसका एंड पॉइंट होता है। तो इसीलिए वासा एफरेंशिया के रिगार्डिंग एक चीज़ बोली जाती है कि इट कैरीज स्पर्म्स आउट ऑफ द टेस्टिस, ये भी इम्पोर्टेंट है, दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, वासा एफरेंशिया कैरीज स्पर्म आउट ऑफ द टेस्टिस। सो दिस इज ऑल अबाउट द डक्ट सिस्टम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देन कम टू द फंक्शंस ऑफ एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस में स्पर्म्स स्टोर होते हैं एंड सेकेंड इज इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोटिलिटी एंड मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। नेक्स्ट पार्ट इज यूरेथ्रा। सो टिल नाउ वी हैव कवर्ड, हमने तीन चार पार्ट पढ़ लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट इज स्क्रोटम, देन टेस्टिस, देन डक्ट सिस्टम एंड नाउ वी आर स्टडिंग फोर्थ पार्ट, दिस इज यूरेथ्रा।
ओके, यूरेथ्रा क्या होता है? यू कैन से दैट इट रन्स थ्रू आउट द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग. दिस इज नोन एज वट यूरेथ्रल मीटस. जो पेनिस की ओपनिंग होती है वो एक्चुअली यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है और उसे हम क्या बोल देते हैं, दिस इज यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं. यूरेथ्रा इन केस ऑफ मेल यूरेथ्रा दोनों रोल प्ले करता है, मतलब कि इट इज़ द पैसेज फॉर, इट इज पैसेज फॉर बोथ यूरिन एज वेल एज सीमन. ठीक है, बट इन केस ऑफ फीमेल्स यूरेथ्रा से सिर्फ और सिर्फ यूरिन पास होता है. इट इज़ पैसेज फॉर यूरिन ओनली इन केस ऑफ फीमेल्स. गेटिंग माई पॉइंट? देन देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूरेथ्रा, लाइक वन इज प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, देन इज मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड देन इज द पिनाइल यूरेथ्रा. तो हालांकि एनसीईआरटी में ऐसा कोई डायग्राम दिया नहीं है, मैंने एक स्केच के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. लाइक प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जो होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड से सराउंडेड होता है, ठीक है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ यूरिन होगा. तो इसको आप इस वाले डायग्राम से समझ सकते हो. देखो जरा इधर, यहाँ पे जो ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर मैंने मार्क किया है, दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड. और प्रोस्टेट ग्लैंड के पास जो यहाँ पे ये वाला पार्ट है यूरेथ्रा का, उसे हम बोलेंगे क्या, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा. देन देर आर टू स्ट्रक्चर्स हियर, उनको हमने बोले काउपर्स ग्लैंड. ये जो रेड कलर वाले स्ट्रक्चर्स हैं, ये वाले स्ट्रक्चर्स हैं. ओके, तो इस जगह पे जो यूरेथ्रा होगा उसको हम बोल देते हैं क्या, बल्बो यूरेथ्रा या मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा. और उसके बाद एक तीसरा पार्ट बन जाता है, नीचे वाला पूरा पार्ट, दिस पार्ट, इसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज स्पंजी यूरेथ्रा या पिनाइल यूरेथ्रा. एंड दिस यूरेथ्रा, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होती है, इट एक्चुअली रन्स थ्रू आउट द लेंथ ऑफ पेनिस. सो ये तीनों यूरेथ्रा आई हैव एक्सप्लेन्ड हेयर. देखो जरा इधर, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा प्रोस्टेट ग्लैंड से सराउंडेड है. ओके, देन वी हैव इज, दिस इज मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा. इसमें क्या होता है, शॉर्टेस्ट यूरेथ्रा होता है और यहाँ पे इट रिसीव्स व्हाट, डक्ट ऑफ काउपर्स ग्लैंड, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया ऊपर. यहाँ भी मैंने डायग्राम के बेसिस पे इसे शो किया है, इट रिसीव्स व्हाट, डक्ट ऑफ काउपर्स ग्लैंड. देन डक्ट सिस्टम में मैंने बताया था आप लोगों को कि जो इजैकुलेटरी डक्ट होती है, इट फाइनली ओपन्स इनटू यूरेथ्रा. सो हेयर इज द क्वेश्चन कि सर कौन सा यूरेथ्रा? तो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ यूरेथ्रा विच रिसीव्स इजैकुलेटरी डक्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो डायरेक्टली पूछते हैं, हालांकि आई हैव रिटन इन द थ्योरेटिकल पार्ट ऑल्सो, लाइक इजैकुलेटरी डक्ट फाइनली ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एंड ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है दिस इज व्हाट, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा. So this is regarding the types of urethra. Then we'll study about penis. Penis is the male copulatory organ and it consists of three cylindrical mass of erectile tissue. I have explained earlier also, like one is the corpora cavernosa and second is corpus spongiosum. तो ये erectile tissues के masses होते हैं penis में. आप इसको अगर diagrammatically एक section के form में अगर represent करना चाहो तो कुछ इस तरीके से show कर सकते हो यहाँ पे, like जो तीन सिलेंड्रिकल मासेज होते हैं उनमें से टू आर ऑन डोर्सल साइड, वन इज ऑन वेंट्रल. जो डोर्सल में होते हैं दे आर नोन एज कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड ऑन वेंट्रल साइड दे आर नोन एज कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. तो हेयर इज द स्ट्रक्चर, लाइक यू कैन से दैट दिस इज द कॉर्पोरा कैवर्नोसा, दिस पार्ट और नीचे वाला पार्ट जो होता है दिस पार्ट, कहीं ना कहीं दिस इज नोन एज व्हाट, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. दिस इज कॉर्पस स्पॉन्जियोसम और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के थ्रू ही कहीं ना कहीं स्पॉन्जियोसम इज रिलेटेड टू स्पॉन्जी. तो वहां से क्या रन कर रहा था, दिस इज स्पॉन्जी और पिनाइल यूरेथ्रा, उसके अंदर वाला पार्ट. ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस. उसका एक सेक्शन दे रखा है यहाँ पे, उसका जो स्ट्रक्चर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ वो आप इस डायग्राम से कंप्लीट कर लेना. देन वी हैव इज द एक्सेसरी ग्लैंड्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है. So in total we have three types of accessory gland. One is the seminal vesicle, then is the prostate gland and then is the Cowper's gland or bulbourethral gland. Okay? जो seminal vesicle होते हैं ये one pair in number होते हैं, ठीक है, और यहाँ से ये बनाते क्या accessory gland से, seminal fluid बनाते हैं. देखो sperms का source क्या होगा, sperms का source होगा testis. लेकिन स्पम्स को एक मीडियम भी तो चाहिए ना, वो मीडियम इज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्सेसरी ग्लैंड. एक क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया है, फ्रक्टोज किसके सिक्रीशन में मिलता है? तो फ्रक्टोज इज फाउंड इन द सिक्रीशन ऑफ व्हाट, सेमाइनल वेसिकल. देन वी हैव प्रोस्टेट ग्लैंड. प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है, सेमाइनल वेसिकल वन पेयर इन नंबर था, दैट इज दे आर टू इन नंबर, बट प्रोस्टेट क्या होता है, सिंगल इन नंबर होता है. ओके, दिस इज सिंगल एंड दिस इज द लार्जेस्ट मेल एक्सेसरी ग्लैंड एंड इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है टू द वॉल्यूम ऑफ सीमेन, दिस इज 25%.
और इसके सिक्रेशन में होता क्या है, इसके सिक्रेशन इज रिच इन साइट्रेट आयन, कैल्शियम आयन एंड प्रोफिब्रिनोलिसिन. एंड लास्ट टाइप ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड वी हैव इज दिस इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड अगेन वन पेयर इन नंबर, और इसका सिक्रेशन होता है म्यूकस, एंड म्यूकस हेल्प्स इन लुब्रिकेशन. ऑल्सो एट द सेम टाइम जो इसका सिक्रेशन होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिक पीएच ऑफ द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट. ठीक है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट का जो पीएच होता है एसिडिक होता है, जहाँ से स्पर्म्स की डेथ हो जाती है उस एनवायरनमेंट में, तो कहीं ना कहीं उस एनवायरनमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रेशन काम आता है, ताकि स्पर्म्स सर्वाइव कर सके एफआरटी में. ओके, देन वी हैव थ्री नोट्स. वन इज कि जो डक्ट सिस्टम होता है पेनिस एक्सेसरी ग्लैंड, देयर ग्रोथ मेंटेनेंस एंड फंक्शंस आर रेगुलेटेड बाय टेस्टोस्टेरोन. सेकंड इज ग्रोथ मेंटेनेंस एंड फंक्शन ऑफ दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड इंटरस्टिशियल सेल्स, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ FSH and LH. And last one is secretion of epididymis, vas deferens, seminal vesicle and prostate gland. All are essential for the maturation and motility of sperms. ये तीनों ही notes are from NCERT. ठीक है, तो आपको पढ़ लेना है, NCERT में तीनों बातें बोली गई हैं. ओके ओके, सो नेक्स्ट टर्म वी हैव इज semen, एंड दिस semen consist of sperms plus the secretions from accessory glands. ओके, एंड एवरेज वॉल्यूम ऑफ semen इन एन ejaculation, इट इज़ अराउंड 2.5 ml टू 5 ml. एंड दिस वॉल्यूम ऑफ semen इन टर्न कंटेन 200 से 300 मिलियन sperms. सो ये डेटा याद रखना आप लोगों को, लाइक एक ejaculation में 2.5 से 5 ml ऑफ semen होता है, एंड उसमें कहीं ना कहीं 200 से 300 मिलियन sperms प्रेजेंट होते हैं. नाउ फर्टिलिटी के लिए क्या कंडीशंस हैं? फर्टिलिटी के लिए ये जरूरी है कि आउट ऑफ दिस 200 टू 300 मिलियन स्पर्म, 60% के पास क्या होना चाहिए, उनके पास नॉर्मल शेप होना चाहिए, और इस 60% के 40% के पास क्या होना चाहिए, दे मस्ट हैव व्हाट, विग्रस मोर्टिलिटी. इसको आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो, लाइक कि अगर किसी इंडिविजुअल का स्पर्म काउंट 200 मिलियन है, तो इसमें से 60% के पास क्या होना चाहिए भाई, नॉर्मल शेप होना चाहिए. तो 200 का 60% इज 120 मिलियन, और इस 120 मिलियन के 40% के पास क्या होना चाहिए, विग्रस मोर्टिलिटी होनी चाहिए. तो सर इसका 40% अगर आप देखेंगे तो इट वुड बी अराउंड 48 मिलियन. ठीक है, तो इस तरीके से आपको अगर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो इस तरीके से डील करनी है. नाउ वन मोर डेटा इज देयर, लाइक जो 1 ml ऑफ सीमेन होता है, इट कंटेन्स 50 मिलियन ऑफ स्पर्म. तो 1 ml में 50 मिलियन स्पर्म होते हैं, एंड जब स्पर्म काउंट 1 ml में 20 मिलियन से कम हो जाता है, तो देन इट लीड्स टू व्हाट, इनफर्टिलिटी. इनफर्टिलिटी इज अगेन यू कैन से दैट इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस गैमेट्स. सो दिस इज ऑल अबाउट सीमेन. देन स्टार्ट विद द गैमेटोजेनेसिस पार्ट. इन केस ऑफ मेल, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस. सो एज आई हैव मेंशनड हियर, लाइक द स्पर्मेटोजेनेसिस रेफर्स टू व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स. देन किसकी इन्फ्लुएंस पे होता है ये, और किस स्टेज पे होता है? सो दिस स्पर्मेटोजेनेसिस, इट स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी. ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द लेवल ऑफ GnRH, एंड GnRH इन टर्न स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ FSH एंड LH. नाउ जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, दीज स्पर्मेटोगोनिया आर कंसिडर्ड एज व्हाट, प्रीकर्सर ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. यहीं से स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होते हैं. ओके, एंड स्पर्मेटोजेनेसिस की साइट क्या होता है? इट अकर्स इन सेमिनिफेरस ट्यूबल, विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. सो हेयर इज द प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. इसको विल सी स्टेप बाय स्टेप. सो स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएट्स विद स्पर्मेटोगोनिया, दिस अंडरगो माइटोसिस एंड फॉर्म्स व्हाट, टाइप ए एंड टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया. टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया रिजर्वोयर का काम करता है, एंड टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया इट एक्ट्स एज व्हाट, इट एक्ट्स एज प्रीकर्सर ऑफ स्पर्म्स. टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया देन अंडरगो माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन एंड फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इन टर्न इज डिप्लॉयड इन नेचर. देन दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मियोसिस वन, विच इन टर्न इज अ रिडक्शनल डिविजन. इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ 2 हैप्लोइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एंड ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट देन अंडरगो मियोसिस 2, which is an equational division and results in formation of 4 spermatids. These spermatids then by the process of spermiogenesis converts into what? Spermatozoa or sperms.
सो सिंपली दिस इज़ द प्रोसेस, फ्लो चार्ट की फॉर्म में याद रखना आप लोगों को। स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस हुआ और माइटोसिस के बाद वो टाइप ए टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया में कन्वर्ट हो गया। टाइप बी कहीं ना कहीं प्रिकर्सर का काम करेगा, उसमें माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन होगा एंड इट कन्वर्ट्स इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में रिडक्शनल डिवीजन होगा, दैट इज मियोसिस वन, रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज मियोसिस टू विच इज एन इक्वेशनल डिवीजन, रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ फोर स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स में कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस एंड इट कन्वर्ट्स इन टू व्हाट, स्पर्म्स। सो हेयर आर दी स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इन टोटल इट हैज़ थ्री स्टेजेस। This is the first one, multiplication phase, then we have growth phase and then the maturation phase. Multiplication phase includes what? यहाँ पे spermatogonia में mitosis होती है and type A and type B spermatogonia बन जाते हैं। तो वही चीज़ I have written here कि type B spermatogonia acts as precursor and type A spermatogonia acts as कहीं ना कहीं reservoir. Okay. देन ग्रोथ फेज में क्या होता है? इन ग्रोथ फेज जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया था वो अंडरगो माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन एंड कन्वर्ट्स इनटू व्हाट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मैचुरेशन फेज में क्या होता है? यहाँ पे दो डिवीजन होते हैं विच वी हैव स्टडीड अर्लियर, वन इज मियोसिस वन, वन इज मियोसिस टू। सो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट देन अंडरगोज मियोसिस वन एंड कन्वर्ट्स इनटू व्हाट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। ओके, देन हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस टू होगा एंड विच इन टर्न रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो स्पर्मेटिड बनेंगे, तो इन टोटल दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से विल गेट फोर स्पर्मेटिड्स एंड दिस स्पर्मेटिड्स वाया द प्रोसेस दिस इज स्पर्मियोजेनेसिस कन्वर्ट्स इन टू व्हाट, मैच्योर स्पर्म। नाउ एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन टर्न हैज व्हाट, सर्टोली सेल। तो अगर आप लोगों को याद हो तो जो हमने सेक्शन बनाया था सर्टोली सेल का, वहाँ पे स्पर्म्स को अटैच किया था कहीं ना कहीं सर्टोली सेल्स के साथ। सो अगर हम बैक ट्रैक करें तो आई होप यू रिमेम्बर दिस डायग्राम, यहाँ पे स्पर्म्स को हमने कहीं ना कहीं अटैच कर रखा है दिस सेल, दिस इज द सर्टोली सेल। रेड कलर्ड वन इज द सर्टोली सेल, हेयर इज द सर्टोली सेल, और यहाँ पे हमने इनके साथ अटैच कर रखे हैं, दीज आर द स्पर्म्स। ओके, तो यही चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आगे। इसमें जब कंप्लीट हो गया, स्पर्म्स बन गए हैं, तो स्पर्म्स बनने के बाद एक्चुअली इनका जो हेड होता है, हेड ऑफ स्पर्म्स गेट्स एम्बडेड इनटू द सर्टोली सेल्स फॉर नरिशमेंट। बताया था ना सर्टोली सेल को नर्स सेल बोलते हैं, व्हाई? बिकॉज दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्म्स का हेड गेट्स एम्बडेड इनटू द सर्टोली सेल फॉर नरिशमेंट एंड लेटर स्पर्म लॉस देयर कॉन्टैक्ट विद द सर्टोली सेल एंड कम आउट ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वाया प्रोसेस नोन एज व्हाट, स्पर्मिएशन। सो याद रखना, स्पर्मिएशन इज डिटैचमेंट ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द सर्टोली सेल एंड देयर रिलीज आउट ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस। सो फाइनली वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड दिस इज द स्ट्रक्चर गिवन इन द एनसीईआरटी। सो इट हैज फॉलोइंग पार्ट्स, लाइक दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे ऊपर, उसके बाद इस पे जो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। देन वी हैव अ पोस्टीरियर लार्ज न्यूक्लियस, सो ऑल दीज पार्ट कॉन्स्टिट्यूट हेड ऑफ द स्पर्म। देन वी हैव द नेक पार्ट, इन नेक पार्ट वी हैव टू सेंट्रियोल्स, दिस इज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड दिस इज द डिस्टल सेंट्रियोल। वी हैव मिडल पीस, इन द मिडल पीस वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइड बाय साइड वी हैव द एक्सियल फिलामेंट एंड फाइनली इज द टेल पार्ट। ओके, सो लेट्स स्टडी देम वन बाय वन। हेड, हेड में क्या होता है भाई? हेड में एक लार्ज न्यूक्लियस होता है और एक स्मॉल एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम इज नथिंग बट इट्स अ कैप लाइक स्ट्रक्चर विच इज डराइव्ड फ्रॉम द गोल्जी बॉडीज। ठीक है, गोल्जी बॉडी जो स्पर्म्स में प्रेजेंट होते हैं वहीं से एक कैप लाइक स्ट्रक्चर डराइव होते हैं, दैट इज नोन एज एक्रोसोम। एंड दिस एक्रोसोम इन टर्न इट हैज व्हाट, स्पर्म लाइसिन। स्पर्म लाइसिन मतलब स्पर्म को हेल्प करेंगे टू पेनिट्रेट दी एग। इनके एग्जांपल्स आर लाइक हाइलुरोनिडेज एंड एक्रोसिन। एक्रोसिन को हम जोना लाइसिन भी बोलते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द हेड। देन वी हैव नेक, सो नेक में वी हैव टू सेंट्रियोल्स, वन इज प्रॉक्सिमल वन इज डिस्टल। जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट क्लीवेज ऑफ द जायगोट, दिस इज इंपॉर्टेंट, इट हैज बीन आस्क्ड ऑलरेडी। एंड जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है इट गिव राइज टू व्हाट, एक्सियल फिलामेंट। यहाँ से एक्सियल फिलामेंट आएगा।
सो यू कैन सी दैट दिस इज द एक्सियल फिलामेंट, जो कि यहाँ पे मैंने एक ऑरेंज कलर से ड्रॉ कर रखा है कम्प्लीटली. दिस इज द एक्सियल फिलामेंट. तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम डिस्टल सेंट्रियल. ओके, देन वी हैव मिडल पीस. मिडल पीस में क्या होता है? इट हैज़ माइटोकॉन्ड्रिया एंड एक्सियल फिलामेंट. माइटोकॉन्ड्रिया, इसका पर्पस क्या है? जनरली भी हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी मिलती है. सो इन केस ऑफ स्पर्म ऑल्सो इट एक्ट्स एज पावर हाउस एंड इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स. एंड लास्ट इज द टेल पार्ट विच अगेन हेल्प्स इन व्हाट? मोटिलिटी ऑफ स्पर्म. ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग द पार्ट्स ऑफ द स्पर्म. सो द लास्ट टॉपिक अंडर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वी आर लेफ्ट विद इज हॉर्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. ओके, सो हमने पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस में लाइक इट स्टार्ट्स ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द लेवल ऑफ GnRH. दिस इज गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हॉर्मोन. एंड गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हॉर्मोन क्या करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा फॉर द रिलीज ऑफ गोनाडोट्रॉप्स. दिस इज FSH एंड LH. FSH इन टर्न्स एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल एंड स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ ABP. ABP refers to what? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. एट द सेम टाइम जो LH होता है वो लेडिग सेल और इंटरस्टिशियल सेल पे एक्ट करेगा एंड स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन. एंड ABP एंड टेस्टोस्टेरोन टुगेदर स्टिमुलेट्स व्हाट? स्पर्मेटोजेनेसिस. दोनों कहीं ना कहीं साइड बाय साइड अपना रोल प्ले करते हैं टू स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस. नाउ सर, जब सफिशियंट स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाता है तो उस प्रोसेस को स्टॉप भी करना होगा. तो उसको स्टॉप करने के लिए क्या होता है? एक नेगेटिव फीडबैक काम करता है यहाँ पे. जो सर्टोली सेल है, सर्टोली सेल ABP तो सिक्रीट करता ही है. एट द सेम टाइम सर्टोली सेल सिक्रीट इनहिबिन हॉर्मोन. दिस इनहिबिन हॉर्मोन देन गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू द पिट्यूटरी एंड वो एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा कि सफिशियंट स्पर्मेटोजेनेसिस हैज बीन टेकन प्लेस, आप फर्दर FSH सिक्रीट करना बंद करो. ओके, सिमिलरली जो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट हुआ था यहाँ से लेडिग सेल से, इट ऑल्सो गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड इन द सेम वे इट अगेन इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ LH फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी. सो इन दिस वे ये मैकेनिज्म अपने आप में सेल्फ रेगुलेटेड है. जैसे सफिशियंट स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगा, उसके बाद टेस्टोस्टेरोन और इनहिबिन से नेगेटिव फीडबैक जाएगा टू द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड इट स्टॉप्स फर्दर रिलीज ऑफ FSH एंड LH, which in turn stops the process of spermatogenesis. So this is all about male reproductive system. In this we studied different parts like scrotum, testis, duct system, accessory glands. Then we studied spermatogenesis, then the structure of sperms, and last is the hormonal control of spermatogenesis. Here is the question for you guys regarding the spermatogenesis, like how many sperms are produced by 200 primary spermatocyte एंड 200 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. ओके, तो आप कोशिश करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की. सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड रिगार्डिंग द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.